जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। मिसा जी लालू जी की बिटिया, वो तो ये कहेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। आज पीएम मोदी जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन एक तुष्टिकरण, कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं तुष्टिकरण पत्र जारी किया। नहीं नहीं, जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम MSP लागू करने की बात कर रहे थे, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या NDA पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो RJD की मिसा जी लालू जी की बिटिया, वो तो ये कहेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है,